अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने हार्ड पेपर लिया हुआ है। इस हार्ड पेपर की जो लंबाई है वो यहाँ पे मेरे पास 4 इंचेज़ है और चौड़ाई यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद हमने इसके ऊपर जो है वो कटवर्क ड्रॉ करना है। तो ये कटवर्क ड्रॉ करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा डीप या बहुत ज़्यादा जो है वो कर्व वाला ड्रॉ नहीं करना है, थोड़ा नॉर्मल सी ही गुलाई देनी है इसको। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको शेप दे ली है। शेप देने के बाद अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए व्यूअर्स, हम इसको कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास 2 कटवर्क जो है वो बन के आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हल्का सा हमने कट का निशान लगा दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक और हार्ड पेपर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो दोनों यहाँ पे मेरे पास 1.5 इंच है, यानी हम चौरस इसको हमने लेना है। और यहाँ पे इस तरीके से हम इसको डबल कर लेंगे, इस तरीके से नहीं, कॉर्नर्स की साइड से इस तरीके से। ठीक है, कॉर्नर्स को आपस में मिला लेंगे और इस तरीके से हम इसको जो है वो डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद हम इसके ऊपर भी जो है वो हमने थोड़ी किसी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से हल्की से हमने इसको जो है वो नीचे से कर्व दे देना है, बिल्कुल हल्का सा, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों साइड से हम इसको कर्व दे देंगे। तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने इसको भी कटिंग कर लेना है। अब कटिंग करने के बाद इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी। अभी हमारा लास्ट वाला हार्ड पेपर है, तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई है 2 इंच है और लंबाई इसकी 1.5 इंच है। अब यहाँ पे इस तरीके से हमने 1 इंच पे इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, लंबाई की सूरत में जहाँ पे 2 इंच था हमारी लंबाई, तो यहाँ चौड़ाई सॉरी, तो यहाँ पे 1 इंच पे हमने मार्क कर लिया है दरमियान में। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने आड़ी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। आड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल बन के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों कॉर्नर्स की तरफ जो है वो हमने लाइंस को ड्रॉ कर लिया है दरमियान से साइड्स के दोनों कॉर्नर्स की तरफ। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। नीचे की तरफ देखें, यहाँ पे मैंने फैब्रिक के नीचे जो है वो बुकरम को पेस्ट करके रखा हुआ है। बुकरम को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये लाइन जो है वो हमारी सिलाई की लाइन है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सिलाई लगानी है, नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने राउंड वाला कटवर्क हमने रेडी किया था, नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद इस तरीके से हम इसको रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो है पेन यूज़ करते हुए मुझे बड़ा मसला हो रहा था, मैंने पेन भी चेंज करके देखा लेकिन जो है वो निशान बड़े मुश्किल से लग रहा था। तो इस वजह से जो है वो बार बार मुझे जो है मार्किंग करनी पड़ी थी ताकि आपको नज़र आए। पेंसिल का निशान लग रहा था लेकिन पेंसिल का निशान जो है वीडियो में सही नज़र नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने जो है वो पेन ही यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, कटवर्क जो है वो हमने ड्रॉ कर लिए हैं। कटवर्क ड्रॉ करने के बाद जो हमने अपना स्टार सा कट किया था, ये देखें इस तरीके से हमने इसको रखना है। अब यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि एक जो कटवर्क है उसको छोड़ के दूसरे वाले कटवर्क के ऊपर हमने इसको रख के निशान लगाना है। ठीक है, एक कटवर्क का हम इसमें गैप देंगे तो इस तरीके से हम इसको निशान लगा लेंगे, जिस तरीके से हमारा हार्ड पेपर जो है वो जिस शेप में कटा हुआ है। तो इस तरीके से बीच में देखें मैंने एक जो है वो कटवर्क छोड़ा है और एक कटवर्क के ऊपर रख के इस तरीके से निशान लगाया है। तो यहाँ पे देखें ये वाली मार्किंग जो है वो हमारी हो गई है। ये वाली मार्किंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जो हमारे कॉर्नर्स हैं 3, इनके ऊपर इस तरीके से हमने हल्की हल्की सी गुलाई दे देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अगेन पेन जो है वो नहीं चल रहा है, तो इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा करीब करके। यहाँ पे देखें इस तरीके से हमने इसको शेप दे देनी है। अब इसके बाद ये जो ट्रायंगल हमने कट किया था इसको हमने बुकरम के ऊपर रखना है। बुकरम के ऊपर रख के जो है वो हमने इसको मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद बिल्कुल इस तरीके से ही हमने इसको बिल्कुल साथ साथ रख के बुकरम के और कटिंग कर लेना है। ठीक है, ट्रायंगल जो है वो हम कट कर लेंगे अपने बुकरम के ऊपर, उसके बाद जो है उसको पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक पे। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखें ये जो हमने मार्किंग की थी, इसके लिए जो है मैं 2 कलर की डोरी यूज़ कर रही हूँ। एक डोरी जो है वो ब्लैक और गोल्डन कलर की है और एक जो है वो थोड़ी सी फ़ॉन्ट से कलर की है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कलर मैं यूज़ करूँगी। हाँ जी, तो ये आप इसके कलर चेक कर लें, दोनों जो है वो इस तरह से नज़र आएंगे। ठीक है, कलर में तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्लैक वाली डोरी ले रही हूँ। ब्लैक वाली डोरी लेने के बाद जिस हिसाब से जो है वो हमने अपनी मार्किंग की है, निशान लगाए हुए हैं, बिल्कुल उसी अंदाज़ में जो है वो हमने इसको रखते जाना है और रखते हुए हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। बहुत आराम से, बहुत इजीली जो है ये डोरी लग जाती है, ज़रा भी मुश्किल जो है वो नहीं होती। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारा कटवर्क था राउंड वाला, इसके ऊपर आते हुए जब हमने हाफ इसको ले आए, जिसके ऊपर हमने स्टार बनाया हुआ ना वो वाला कटवर्क, ठीक है, उसके ऊपर से हमने जो है वो स्टार की तरफ ले आना है। लाने के बाद जो है जिस तरीके से हमने अपने स्टार को ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर इस तरीके से हम अपने डोरी को रखते जाएंगे, घुमाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे।
तो यहाँ पे देखें, ये जो हमारी गोलाई थी इसको कंप्लीट करने के बाद इसको बिल्कुल इसी तरीके से हम शेप बनाएंगे, जिस तरीके से हल्की सी इसकी कर्व में शेप बनी हुई है। उसके बाद ये जो हाफ हमारा गोलाई हमारी रह गई थी इसके ऊपर से वापस ला के और फिर अगले कटवर्क की तरफ हम ले जाएंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से जो है अभी पूरी डोरी जो है वो घूम जाएगी, ज़रा भी आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, बहुत अच्छे से जो है वो शेप कंट्रोल करती है ये वाली डोरी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम घुमाते जाएंगे, डिज़ाइन बनाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स, एक कलर की डोरी से जो है वो मैंने डिज़ाइनिंग कर ली है। अब दूसरे वाली जो हमारी कलर की डोरी है इसको हम लेंगे, लेने के बाद इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है, कटवर्क के ऊपर रखना है, नीचे की तरफ नहीं। अब यहाँ से इस तरीके से जिस तरीके से हमने पहले वाले जो है वो डोरी को अटैच किया हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से साथ साथ हम रखते जाएंगे, रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपने ये करना है कि अंदर की तरफ आते हुए ये देखें, हम इसको सिर्फ अंदर की तरफ ही घुमाएंगे, बाहर की तरफ जो हमने अपना राउंड वाला जो बारीक बारीक से जो है वो बुनकियाँ सी बनाई हुई, उन बुनकियों के ऊपर जो है वो हम नहीं डिज़ाइन करेंगे, सिर्फ अंदर की तरफ ही डिज़ाइनिंग करेंगे। तो अंदर की तरफ इस तरीके से रखते जाएंगे और रखने के बाद उसको सिलाई लगाते जाएंगे, और जैसे पहले हमने डोरी के साथ किया था बिल्कुल इस तरीके से उसके साथ साथ रखते जाएंगे और इसको इस तरीके से कम्प्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखें दोनों डोरी का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास वुलन थ्रेड है, ठीक है, ये मैंने वुलन थ्रेड रहे है, एंकर थ्रेड भी यूज़ कर सकती हैं, नॉर्मल थ्रेड भी यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने दो धागे लिए हैं इसके, डबल करके उसको भर लिया था। अब यहाँ पे बीच में बिल्कुल इस तरीके से देखें हमने सिंपल बिल्कुल टाँके उठाने हैं और थोड़ा आगे की तरफ जाके इसको नीचे की तरफ करके अपनी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे जो बाजू के नीचे जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन छोड़ी हुई थी इसकी जो है वो सिलाई के लिए, उसको मैंने सिलाई कर लिया है, ठीक है। ये डोरी का काम करने के बाद जो है मैंने इसको सिलाई लगा ली थी, सिलाई लगाने के बाद जो है अब ये देखें हम अपने धागे वाला काम भी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें व्यूअर्स, मैंने ट्रायंगल को जो है वो फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया था जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। अब मैंने इसको कटिंग कर लिया है, कटिंग करते हुए जो फैब्रिक है उसको मैंने हाफ हाफ इंच जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कट किया है, ठीक है। हमने बुकरम के साइड पे मार्जिन छोड़ना है सिलाई का तीनों साइड पे। तो यहाँ पे यही वाली डोरी जो मैंने पहले अपने स्लीव के ऊपर यूज़ की है, ये वाली डोरी जो है वो हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जिस तरह होती है इस तरीके से लाइन की तरह इसको जो है वो लगा लेंगे, लेकिन बिल्कुल मिड में नहीं लगाना, ठीक है। जहाँ पर हमारा कॉर्नर बनेगा, नोक बनेगी, वहाँ से हमने नहीं लगाना, थोड़ा सा नोक से साइड पर करके लगाना है, नोक हमारे जो है दो पट्टी के दरमियान में आएगी, ठीक है। अभी एक कलर की जो है वो हम ये वाली डोरी अटैच कर लेंगे, ये वाली डोरी लगाने के बाद उसके बाद जो हमारी ब्लैक कलर की डोरी है उसको भी हम जो है वो अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, अब ब्लैक कलर की डोरी जो है वो हम अटैच करते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा ठीक से कि यहाँ पे हमारा जो मिड है बिल्कुल जो कॉर्नर है वो बिल्कुल दरमियान में आया है और पट्टियाँ जो हैं वो एक साइड पर आई है और एक दूसरी साइड पर आई है, तो मिड हमारा दरमियान में रह जाएगा और आसानी से जो है वो ये सीधी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें नीचे की तरफ जो है वो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है, रखने के बाद जो है वो हम इसको सिलाई करेंगे सिर्फ दो साइड से, ठीक है। एक साइड जो है वो हम इसकी अभी खुली रखेंगे। अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने इसको कटिंग कर लिया है, कटिंग करने के बाद हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हल्की सी नोक वाली चीज़ आपने यूज़ कर लेनी है और इसका अच्छे से जो है वो कॉर्नर हम सीधा कर लेंगे। अब देखें कॉर्नर हमारा जो है वो दरमियान में रह जाएगा और पट्टियाँ जो है वो साइड पर आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पलटने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखें हम हमारी जो तीसरी साइड थी जिसको हमने खुला छोड़ा हुआ था इसको इस तरीके से हम नीचे की तरफ हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे पर रख के सिलाई लगा लेंगे और बाकी के जो हमारे ट्रायंगल्स हैं इनको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स, तमाम ट्रायंगल्स जो हैं मैंने रेडी कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास बुकरम का एक पीस है, इसको मैंने पेस्ट किया हुआ है इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर। अब यहाँ पे देखें मैंने फैब्रिक का मार्जिन कितना छोड़ा है, किस तरीके से फोल्ड करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा, इस तरह बिल्कुल बंद हो जाएगा अंदर की तरफ। तो दोनों तरफ से जो है हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करने के बाद किनारे पर रख के बिल्कुल हमने इस पट्टी पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे देखें व्यूअर्स, सिलाई लगाने के बाद अब ब्लैक कलर की दोबारा से हम डोरी लेंगे और डोरी इसके ऊपर रख के और सिलाई लगा देंगे और दूसरे कलर की जो डोरी है उसको भी बिल्कुल इसके बराबर में रखेंगे, बिल्कुल हल्का सा गैप छोड़ के और फिर यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद हमारे जो ट्राइंगल्स हैं इनको हम आपस में अटैच करेंगे इस तरीके से। तो आपने इन दोनों को जो है वो उल्टी साइड से ले लेना है, यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में एक ट्राइंगल को
हम सिलाई इस तरीके से टांका उठाएंगे हाथ से और यहाँ पे इन दोनों को अटैच कर लेंगे, ठीक है। एक जो हमारा ट्रायंगल उसका मिड है और एक का जो है वो कॉर्नर है, इन दोनों को हम इस तरीके से अटैच करेंगे। दो जो है वो ट्रायंगल अटैच करने के बाद अब हम तीसरा वाला ट्रायंगल लेंगे, इसको भी इस तरीके से इसके साथ रखेंगे और रखने के बाद हैंड स्टिच कर लेंगे। और बाकी के जो ट्रायंगल हैं इनको भी इस तरीके से हम साथ रखते जाएंगे और उसको हैंड स्टिच कर लेंगे और एक लंबी सी जो है वो हमारी पट्टी सी बन के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें व्यूवर्स, इस तरीके से मैंने इसको जो है वो एक साथ अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद ये जो पट्टी हमने तैयार की थी स्ट्रेट पट्टी, बिल्कुल इसको इस तरीके से हम अपने ट्रायंगल्स के साथ रखेंगे और ट्रायंगल के साथ रखने के बाद इनको भी आपस में हैंड स्टिच करेंगे। क्योंकि ट्रायंगल हमारे बिल्कुल एक शेप में कटे हुए हैं तो बिल्कुल भी मसला नहीं होता है हैंड स्टिच करने में, बहुत इजीली जो है ये साथ में जो है वो हैंड स्टिच हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से, और धागा जो है आपने चार धागे लेने हैं सुई में ताकि हमारा अच्छे से जो है पक्का हो जाए और बाद में जो है सब धुलाई करते हुए या इस्त्री करते हुए ये निकले नहीं। तो देखें कुछ इस तरीके से जो है वो हमारी पट्टी आ जाएगी बनके। तो यहाँ पे देखें नीचे वाली पट्टी से जो है मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब हमारी ऊपर वाली जो स्लीव का हिस्सा है इसको भी हम इसके साथ रखेंगे और हैंड स्टिच करेंगे। तो पहले जो है वो एक ट्रायंगल लगाते हुए आपने हल्का सा निशान लगा लेना है। हल्का सा निशान लगा लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा और बाकी के जो है वो खुद ब खुद ही अपनी जगह पर जो है वो हम सेट करते जाएंगे और फिर निशान लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से दोबारा से इस वाले कॉर्नर से हम गुजारेंगे और जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ तक ला के हम इसको अच्छे से पक्का कर देंगे। और बाकी की जो हमारी पट्टी है इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से हम एक साथ रखते जाएंगे और हैंड स्टिच करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, इसको मैंने जो है वो हैंड स्टिच कर लिया है और ये फाइनल लुक हमारे डिज़ाइन के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन जो है वो बनके बिल्कुल रेडी है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे जाके देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियोज़ मेरी अच्छी लगें तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।